हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ग्रीन चटनी सैलेड शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी है और मिनटों में रेडी हो जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। आज हम ग्रीन सैलेड बनाएंगे ग्रीन चटनी से स्वीट कॉर्न के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी, गाजर, प्याज तीनों को बारीक काट लिया है। मिक्स थोड़ी लिए मैंने पनीर को भी काट लिया है। स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है। ग्रीन चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी मैंने सिंपल ही बनाई है। हरे धनिया लिया है, एक हरी मिर्ची, छोटा टुकड़ा अदरक, नमक, एक चम्मच तिल डाला है व्हाइट, थोड़ा नींबू का रस और हल्का सा गुड़, सबको डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एक बॉल लेंगे, इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। पत्ता गोभी, गाजर, प्याज तीनों को हमने जो चॉप करके रखा है डाल देंगे। स्वीट कॉर्न डालेंगे, थोड़े मैंने यहां स्वीट कॉर्न लिए हैं वो डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम पनीर जो हमने चॉप करके रखे हैं, फ्रेश पनीर है। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। काला नमक डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट लिया मैंने यहां, थोड़ा काला नमक डाल लिया है। धनिया की जो चटनी हमने रेडी की है एक चम्मच ये डालेंगे हम। नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ग्रीन चटनी सैलेड हमारा बनकर रेडी है। झटपट मिनटों में बन गया है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। हमने इसमें कच्चा पनीर भी लिया है, स्वीट कॉर्न भी, वेजिटेबल्स, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है सैलेड की। आप किसी भी वक्त इसे खा सकते हैं। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, बीट। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।